हाय आई एम ऋषि. हेलो एवरीवन, आई एम विदिप्ता. हेलो एवरीवन, आई एम नवदीप बडाली. और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मतलब हम फीचर हो रहे हैं बॉलीवुड स्पाई में. तो और उससे पहले मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टॉप 11 की जो जर्नी अभी तक हमारी रही है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से हम मिल चुके हैं. तो मतलब इंडियन आइडल में मतलब बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं. लेकिन इस बार जो जो आर्टिस्ट आए हैं, मतलब सिंगर्स आए काफ़ी और काफ़ी पुराने एक्टर्स आए हैं जिनको मैं मतलब बचपन में मूवीज़ में देखा करता था और मम्मी देखती थी, तो मतलब कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं. और एकदम से अचानक से इंडियन आइडल के स्टेज पे उनको देख के ऐसा लगा कि वाओ, मतलब हम अपने पेरेंट्स के साथ जब वो मूवीज़ देखते थे तो वो चीज़ रिवाइंड हो जाती थी कि हाँ वो इनके बारे में बात करते थे. तो इतना इंटरेस्टिंग लगता है सोच के कि हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर से मिलने का मौका मिल रहा है हमें, और उनके सामने खासकर उनके गाने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. और इस बार इंडियन आइडल में ये मौका अगर हमें मिला है तो उसको हम बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि हम आगे जाके ये मतलब जो हमने अब तक जो जर्नी में जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया, वो कभी हम भूलें ना. तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है. टॉप 11 में मतलब इंडियन आइडल में आना ही एक सपने जैसा था. मतलब अभी हम सब अपने सपने को जी रहे हैं, ऐसा बोल, ऐसा ही, ऐसा नहीं बोल, मतलब ऐसा ही है. मतलब सर, जब से आइडल शुरू हुआ है तब से ही मतलब मेरा एक मन था, मेरा फैमिली का एक मन था कि आइडल में मतलब आऊँ. और उसके बाद मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के सामने गाना, उनका हमारा गाना सुन के उनका जो कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग को मिलता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़ी बात है. मतलब ये पूरा एक सपने की तरह है हमारे सबके लिए, हम सबके लिए. टॉप 11 में आना एक सपना ही है हमारा, जैसे इन सभी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम टॉप 11 में आए हैं. और ये सब आपकी दुआओं सदके ही हुआ है, आपके आशीर्वाद से, आपके अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ हुआ है. और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बरसाए रखिए. और इंडियन आइडल की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि ऋषि ने जैसे बोला कि जैसे बचपन से ही हम जिनको टीवी एक्टर्स को टीवी पर देखते आ रहे हैं और न्यूज़पेपर्स पर जिनकी फ़ोटोज़ देखी हैं शुरू से बचपन से, उनके बिल्कुल उनके सामने उन्हीं के थीम के गाने, उन्हीं के सामने गाने और परफॉर्म करना और उनसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स गेन करने, वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है. और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ऐसे चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, और सपना ही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ऐसे होगा बिल्कुल. थैंक यू. हमारी सभी की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ पे सभी का बॉन्डिंग ही मतलब एक फ्रेंड जैसा हो गया है. सब इतना, सब एक दूसरे का इतना केयर करते हैं, गाने के बारे में कुछ हो तो भी हेल्प करते हैं, मतलब सो प्रीशियस. मतलब जेलस फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे होता है ना कि कंपटीशन है और कंपटीशन को ऐसे लेकर चलते हैं कई के यार वो मेरे से अच्छा गा रहा है ऐसा. हाँ बिल्कुल, कि जैसे वो अच्छा गा रहा है या यार वो मेरे से अच्छा करके, ऐसा नहीं है. मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो सिंगिंग में है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सभी. मेरी वैसे लड़कों में तो देखा जाए, मेरे काफ़ी दोस्त थे पहले भी, जो मतलब नवदीप है, विनीत है, और बाकी पहले मेरी शिवम और चिराग से उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, पर अभी जितना जितना हम एपिसोड्स करते जा रहे हैं तो उतने हम एक दूसरे के क्लोज़ आते जा रहे हैं. तो और जो कि हम वो फैक्टर सबसे लेना मतलब शुरू कर दिए हैं कि वो जो इसमें जो ख़ास बात है ना, तो वो कैसे करता है, और मतलब वो चीज़ उसके अंदर कैसे आई, मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी, ऑब्वियसली उसने इतनी मेहनत की होगी तभी वो यहाँ तक पहुँचा है. और वो चीज़ें उससे जानना, उसे सीखना एक इंटरेस्टिंग वे में वो बन जाता है वो चीज़ें, तो वो बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली बन जाती है. और बाकी तो फ्रेंड्स हैं ही.